हेलो राधे राधे महाराज जी जी राधे। मैं आशा श्रीवास्तव हाथरस से आई हूँ। 3 महीने से अभी जुड़ी हुई हूँ आपसे। मेरा मन ही नहीं लगता हाथरस में, यहीं बनी रहती वृंदावन में जाकर। यहाँ चूँकि रूम नहीं है तो वहीं कहीं उसमें लेती हूँ, आश्रम वगैरह में लेती हूँ, तो वहीं जब तक आपका रोज आती हूँ मैं सुनने। और महाराज जी एक बात पूछनी थी मुझे कि जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उसमें जब राख जो होती है उसमें एक इतनी बड़ी हड्डी निकली थी, उसमें काय में राख में एक इतनी बड़ी हड्डी निकली थी। तो उस हड्डी को भी दिखाया वहाँ पे पंडा लोगों ने, तो उसमें पूरा चित्र बना था, पूरा फेस बना था, पूरा चित्र बना था, मतलब हाथ पैर पूरे वैसे। तो वो क्या चीज़ थी? होगी हड्डी ही है। अच्छा, वो कहते सूक्ष्म शरीर है ये। नहीं, सूक्ष्म शरीर तो गया, वो कहाँ रखा है? अच्छा, गया। पूरे उसमें फेस बना था, दांत हाथ पैर कान आंख सब बना, जैसे वो पेंसिल से बना नहीं देते उस टाइप से पूरे इतनी बड़ी हड्डी में बना था। तो हो सकता किसी ने बना ही दिया हो। नहीं तो वो तो तुरंत जैसे राख लेके गए थे, तुरंत जब फेंकने लगे ना वहाँ हरिद्वार में, तब उसमें निकला। तो मेरी बेटियाँ हैं तो वो लेके आई मेरे पास। तो शमशान में ना 3 दिन तक राख पड़ी रहती है। अच्छा, उस दौरान किसी ने बना दिया होगा, किसी शरारती ने। अच्छा अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है जी। अच्छा, तो एक प्रश्न और है महाराज जी, जैसे बिहारी जी के यहाँ जाते हैं दर्शन करने, तो वो माला वगैरह जो मिलती है हमें, जैसे माला उन्होंने दे दिया पुजारी जी ने, वो माला 2-4 दिन 10 दिन तो हम फ्रिज में रख लेते हैं, उसके बाद क्या करें? फ्रिज में मत रखो उसको, ऐसे सुरक्षित रख दो, सूख जाएगी तो टिकी रहेगी वो। हाँ ये बात है, ठीक है ना जी। फिर वो जब जब दर्शन हो माला का, तो बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा कि बिहारी जी की माला है। जी जी, ऐसा है। महाराज जी हमारी बहन को, हमारे बच्चों दोनों लड़कियां खुश रहिए, सबको आशीर्वाद। महाराज जी हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए। कृष्णा शर्मा जी का प्रश्न है, राधे राधे गुरु जी, एकादशी के व्रत हम करते हैं और भगवान का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो क्या उसको हम ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, भगवान का जो अभिषेक का जल है वो ग्रहण कर सकते हैं, उसे चरणामृत कहते हैं। विपुल जी, गुरु जी क्या साईं बाबा भगवान हैं कि नहीं? नहीं है तो उनका मंदिर क्यों बनवाते हैं? साईं बाबा भगवान है कि नहीं ये आप पूछ रहे हैं हमसे। भाई ये सवाल तो उनसे ही पूछना चाहिए जो मंदिर बनवा रहे हैं, हम तो कोई मंदिर बनवा नहीं रहे हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम उत्तर दे रहे हैं। उत्तर ये है कि साईं बाबा को लोग कहते हैं, आप पूछ रहे हैं कि क्या साईं बाबा भगवान हैं, तो मेरा सवाल आपसे, क्या कोई दूसरा पुरुष आपका पिता हो सकता है? जैसे कोई भी आदमी आपका बाप नहीं हो सकता, बाप एक ही होता है, उसी प्रकार कोई भी भगवान नहीं हो सकता, भगवान एक ही है श्रीमन नारायण, वही राम है वही कृष्ण है, भगवान सब नहीं हो सकते, है ना? और भगवान की तो छोड़ दो, ये तो हिंदू भी नहीं है, भगवान की तो छोड़ दो, ये तो हिंदू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका पहनावा जो है वो मुसलमानी पहनावा, और ये फकीर लिखते हैं अपने आप को, और हिंदुओं में साधु होते हैं, संत होते हैं, फकीर मुसलमानों में होते हैं, तो ये तो मुसलमान हैं, जैसा कि इनको जानते हैं लोग, जैसा इनका पहनावा है, जैसा कि इनको फकीर कहते हैं, तो फकीर मुसलमानी शब्द है, और मुसलमानों में फकीर होते हैं, हिंदुओं में फकीर नहीं, हिंदुओं में साधु होते हैं, तो ये भगवान की तो छोड़ दो, ये तो हिंदू भी नहीं है, सनातनी भी नहीं है। अब फिर आपकी जो मर्जी हो वो आप करिएगा, जो मानना है।